हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है सरस्वती पूजा और आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा है तो मैंने यहाँ पे आयांश के लिए येल्लो कुर्ता पैजामा निकाला हुआ है और अपने लिए येल्लो कलर की साड़ी। और ये जो साड़ी है ना, ये मेरे शादी के टाइम की ही साड़ी है और अब भी इसको मैं सेकेंड टाइम पहनने वाली हूँ। तो शादी के दिन, जैसे लगन जिस दिन होता है उसी दिन मैंने इसको पहना था। उसके बाद अभी तक मैं इसको एक बार भी नहीं पहनी हूँ। यहाँ तक कि इसका जो ब्लाउज है ना, वो भी अभी मैंने स्टिच नहीं करवाया है। तो इस पर मैं ये जो ग्रीन कलर का अलग से ब्लाउज बनवाई थी इसको पहनूंगी और साथ में मेरी चूड़ियाँ। और यहाँ पे अयांश नहा कर आ चुका है और मैंने इसको तैयार कर दिया है। तो आज सरस्वती पूजा है तो जाहिर सी बात है येल्लो येल्लो होगा सारा कुछ। तो आज मैं इसको येल्लो, देखिए, कुर्ता पजामा पहनाई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज है सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी, और आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी यहाँ पे पनीर, शिमला मिर्च और मटर को मैंने फ्राई करके रख लिया है। इसकी मैं बना रही हूँ सब्जी। और यहाँ पे सब्जी में डालने के लिए थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा दूध का मलाई ले लिया है और इसको एकदम महीन पीस लूँगी और इसको बस सब्जी में डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सब्जी जो है मेरी पक चुकी है। तो अब मैं इसमें बस ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया है इसको डाल देती हूँ और बस ये सब्जी जो है मेरी रेडी हो गई है। अब मैं इसको उतार दूँगी। अब मैं बना रही हूँ थोड़ा सा गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1.5 चम्मच घी डाल दिया है। इसमें डाल दिया है थोड़ा सा काजू, बादाम और किशमिश, साथ में 2 तेज़पत्ता डाला है। मुझे गाजर के हलवे में तेज़पत्ता का टेस्ट बहुत पसंद आता है तो मैं आज अपने पसंद से बना रही हूँ। और अभी गाजर डाल दिया, गाजर को थोड़ी देर भून कर फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। तो मुझे गाजर के हलवे में इलायची का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तेज़पत्ता का ही अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा, बाकी पसंद की बात रही, अगर मम्मी जी होती तो मुझे इलायची ही डालना पड़ता, पर मैं अभी अपने पसंद से बना रही हूँ। तो अभी देखिए, मैंने इसमें चीनी डाल दिया, चीनी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी और बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही दूध डाल के इसको तुरंत मैं
सुखा लूँगी और सूख जाएगा जैसे ही हलवा तैयार हो जाएगा। और मुझे इसी तरीके का हलवा बनाया हुआ पसंद आता है, तो झटपट से बन भी जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अभी मेरी पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ खाना। और वीडियो को फुल वॉच किया करिए, क्योंकि फुल वॉच करिएगा तभी वीडियो सजेशन में जाता है, अगर वीडियो का वॉच टाइम अच्छा रहा तो। अगर वॉच टाइम वीडियो पे नहीं आता है तो वीडियो सजेशन में नहीं यूट्यूब भेजता है और फिर वो वीडियो चलती नहीं है। तो आप लोग मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए, देखा करिए अगर, तो फुल वॉच करिए वरना मत करिए। अगर फुल वॉच नहीं कर सकते तो कम से कम 50% तो जरूरी किया करिए। तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ खाना। और आज खाने में ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया है, बस रोटी सब्जी और थोड़ा सा मैंने गाजर का हलवा बनाया है। अभी 3 बज गया है और मेरा सारा कपड़ा धुल चुका है। अब मैं जा रही हूँ सारा कपड़ा डाल के धूप में और थोड़ा सा हाथ को सेकूंगी, गर्म करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनकन हुआ है हाथ। और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई कपड़ा धोने में। हमेशा क्या होता था कि 11 बजे तक मेरा सारा ये सब काम हो जाता था, नहाना और कपड़ा धोना पोछा वगैरह, पर इस बार इसलिए लेट हो गया क्योंकि मम्मी जी नहीं है। मम्मी जी रहती थी तो पूजा कर लेती थी और मैं अपना झाड़ू पोछा और किचन का काम नहाना धोना सारा कर लेती थी। तो अभी मम्मी जी नहीं थी तो सारा मुझे करना पड़ा। और तो और ब्लॉग भी बनाना था, इस वजह से और ज़्यादा लेट हो गई। ब्लॉग अगर नहीं बनाना होता तो सारा कुछ जल्दी जल्दी निपटा लेती, पर ब्लॉग के चक्कर में थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो अब मेरा कपड़ा सारा धुल चुका है, अब मैं जा रही हूँ सारे कपड़ों को डालूंगी धूप में। 3 बज गया है तो ज़्यादा धूप भी नहीं है, धूप तो अब आखिरी ही है। तो अब चलते हैं और आज का जो ब्लॉग है यहीं पर मैं स्पेंड करती हूँ। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।